वीडियो 7C लेसन 7 डिवीजन। आज हम इस वीडियो 7C में लेसन 7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चंस आज हम सॉल्व कर रहे हैं, इनको एक बार देखिएगा। ठीक, तो क्वेश्चन 1 है, डिवाइड बाय 100, 100 से ये नंबर आपको डिवाइड करने हैं जो आपको नंबर्स दिए हैं। तो स्टूडेंट्स सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल है, आप समझ सकते हैं इसको, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं, एक बार आपको समझा रहे हैं, एक बार देखिएगा। ठीक है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है। तो क्या है देखते हैं इसको, 15,000 को डिवाइड करना है 100 से, तो 100 का टेबल 150 में 1 टाइम्स आएगा, 50 बचे। ठीक है, उसके बाद ये आपने ये 50 बचे, उसके बाद दो जीरो आपने उसके बाद दो जीरो आपने नोट कर लिए। अब 5000 में 100 का टेबल 10 टाइम्स आएगा, कितने टाइम जाएगा, 10 टाइम्स कर लो या 5 टाइम्स कर लो, चलो 100 का टेबल 500 में 1 टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स आएगा। ठीक है, फिर एक जीरो आपने यहाँ नोट, ये जीरो बचा वो आपने यहाँ जीरो नोट कर लिया इस तरह से, तो क्वेश्चन इसका 150 आया और रिमाइंडर जीरो, इस तरह से करेंगे। 914 को डिवाइड करना है 100 से, तो सिंपल है, 100 का टेबल 914 में 9 टाइम्स आएगा, सही है, तो 100 9 9 14 रिमाइंडर 14, क्वेश्चन 9। सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप इसमें कुछ आप ये ना समझें कि क्वेश्चन, अब मैं समझता हूँ ये क्वेश्चंस कर लेंगे आप सब लोग कर लेंगे, और मैंने इस क्वेश्चंस को जूम क्लास पर आपको एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। ठीक, 832 को डिवाइड करना 100 से, तो 100 से डिवाइड किया है, तो 100 का टेबल 832 में 8 टाइम्स आएगा। ठीक है, 32 हो गया, ये इसका रिमाइंडर बचा 818 आ गया, तो 832 में से 800 जब को सबट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर, तो 32, क्वेश्चन 8 आया है और रिमाइंडर 32। ठीक, क्वेश्चन 1 2 3 मैंने आपको बताया, क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 4 आपको सेल्फ सॉल्व करना था, मैंने आपको बताया कि सेल्फ सॉल्व करना आपने किया होगा, अच्छे से किया ना। ठीक है, कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, फिर क्वेश्चन 2 के पार्टनर पार्ट 3 है, 1 2 3, फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, सेम क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह है, क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। 13,252 को डिवाइड करना है 325 से, तो 325 का टेबल कितने टाइम्स आएगा, इसमें 40 टाइम्स आएगा, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 252, क्वेश्चन 40, रिमाइंडर 252, वेरी सिंपल। ठीक है, समझ में आया, आ गया होगा मैं समझता हूँ। फिर पार्ट नंबर 2 है इसका, 14,279 को डिवाइड करना है 15 से, तो पहले 15 से डिवाइड किया 142 को, तो 135 टाइम्स, तो यहाँ सॉरी 9 टाइम्स गया, 135 हो गया, 7 बचा, 7 आपने नोट कर लिया, 15 का टेबल 77 में 5 टाइम्स आएगा, 2 बचा, 29 में 15 का टेबल 1 टाइम्स, 14 रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना है 14, क्वेश्चन 951। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सिंपल हैं, और आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चंस आपको जूम क्लास पर बताए। तो क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 3 आप सेल्फ सॉल्व कर सकते हैं, कोई डाउट या क्वेश्चन क्वेरी हो तो बता सकते हैं मुझे, अच्छे से तैयारी करनी है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स बस ये है कि आप लोग कोशिश करिए, कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट, किसी तरह का आपका वर्क कंप्लीट नहीं है तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू, बाय।